मुझे माफ कर दो आका, मैं आपके किसी काम का नहीं रहा। मेरी सारी तिलिस्मी खुबत उस जादूगर जिब्रान ने तबाह कर डाली। उसने मुर्गे सादत के वो अंडे भी जला दिए होंगे आका। जिन्हें दौलत, इस वक्त उस बदबख्त को भूल जाओ और ये प्याला अपने मुंह से लगाओ। पानी का दो घूंट हलक से उतरते ही तुम्हें कुछ हिम्मत आएगी, मायूसी की बातें करना भूल जाओगे। लो ये पानी पियो, लो। अब क्या हुआ? आका, मैंने आपसे खिदमत ली, आपके हाथों पानी पिया। इससे तो अच्छा होता कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरता। मरने की बात मत करो, मरे हमारे दुश्मन। अगर मरना ही है तो अपने दुश्मनों को मार कर ही मरेंगे। आका, इस मायूसी भरे हालात में भी आपका हौसला कितना बुलंद है। मायूसी का मतलब है अल्लाह की जात और उसकी शान से नाउम्मीदी। मुझे खुदा से पूरी उम्मीद है कि वो अपने शान करीमी से अपने बंदों की मदद जरूर करेगा। आका, आप इंसान हैं और इंसान हमेशा अपनी कुव्वत, बाजू और खुदा की मदद पर ज्यादा भरोसा करता है। इन हालात में अब मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर चलें अपने भाई बिलाल और तुम्हारे भाई रियासत की ओर। ये कहने के बजाय आपको ये तिलिस्मी गेंद लुढ़का देनी चाहिए आका। शाबाश जिने दौलत, शाबाश। जिब्रान, बड़ों का नाम नहीं लिया करते भांजे, इसलिए जिब्रान नहीं मामू जान कहो। बड़े होकर बड़ों का अदब करना भी भूल गए। हमारा तुम्हारा रिश्ता आखिर मामू और भांजे का है। तुम्हारा हमारा रिश्ता तो उस दिन खत्म हो गया था जब तुम्हारे नापाक शैतानी इरादों के सबब हम दोनों भाइयों को अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर भी तुमने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हम दोनों भाइयों से मुर्गे सादत के तिलस्मी अंडे चुरा लिए। ऐ खुदगर्ज लालची इंसान, अब तुम्हारे चुराने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर क्यों आया मेरे पास? मुझे तेरे खून, तेरी कुर्बानी की जरूरत है। रुक जा जिब्रान, रुक जा। एक बेबस इंसान पर ये जुल्म मत कर। देखता नहीं आका बिलाल का अदा जिस पत्थर का है वो तुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला तो तुम भी नहीं कर सकते जिन्हें रियासत, क्योंकि मैंने तुम्हारी कुव्वत को पहले ही खत्म कर दिया है। तुम दोनों आधे अधूरे होकर रह गए हो। हाथी मर भी जाए तो गधे से ऊंचा रहता है जिब्रान। मैं इस सारी तिलिस्मी ताकत छीन कर अपनी जादूगरी पर इतना घमंड मत कर जिब्रान। आका ये क्या कर रहे हैं? आका,
तिलस्मी अंडों की राख को बिलाल के खून का नजराना पेश करूंगा। मगर सामने ने कहा था कि खून के चंद कतरे भी मुर्गे सादत के नजराने में पेश किए जा सकते हैं, फिर बिलाल को कत्ल करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है। बिलाल उसी कासिम लकड़हारे का बेटा है जिसकी बेवकूफी से शाह जिन्नात तेरे हाथों से निकल गया। बिलाल को कत्ल करके मैं कासिम से बदला लूंगा और मुझे वो खून भी मिल जाएगा जो तिलस्मी अंडों की राख पर डालना जरूरी है। मगर ये तो सोचिए आका, लकड़हारा कासिम आपका बहनोई और बिलाल आपकी बहन जमीला का बेटा है। बेटा नहीं, सौतेला बेटा। मगर है तो बेटा ही, कुछ देर पहले आप भी बिलाल को अपना वाचा कह रहे थे। हाँ, कह तो रहा था। तो फिर आका, खून के जन कतरों के लिए किसी बेगुनाह को कत्ल करने से क्या फायदा? इस परिंदे से कुछ सबक ले जिब्रान, ये तुझसे ज्यादा अकलमंद और रहम दिल है। हैवान के जिस्म में इंसान है ये, और तू तो इंसान के जिस्म में शैतान है। ठीक है बिलाल, ये परिंदा मुझे बहुत अजीज है, इसके कहने से तुझे माफ किया। अगर मुझे तेरे खून के चंद कतरे दरकार है, इसलिए तुम्हारा खून लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे दोस्त जिन्हें रियासत को अपने तिलस्मी जादू से आजाद करना होगा। जिस्म से खून के चंद कतरे निकाल सकता है जिब्रान। अब मैं अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हूँ, तिलस्मी परिंदे सिर्फ एक कदम दूर, और अब बहुत जल्द नया मुर्गे सादत मेरे हाथों में होगा। हाथों में होगा? और बेपनाह दौलत और रियासत मेरे कदमों में होगी। आका, मेरी बाई आंख भड़क रही है, लगता है आपको कोई याद कर रहा है। सामरी के सिवा मुझे और कौन याद कर सकता है? आका सामरी ने मुझे जरूर इस कारनामे की मुबारकबाद देने के लिए याद किया होगा। सामरी याद कर रहे हैं आका, देखिए मेरे आंखों में। जिब्रान, फौरन मेरे दरबार में हाजिर हो, वरना मुर्गे सादत हमेशा के लिए तेरी मौत से दूर हो जाएगा। तू बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, जल्दी कर जिब्रान, जल्दी। फिर एक नई मुसीबत, पता नहीं ये मुसीबतें और परेशानियां मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। आका, मामला वाकई बड़ा संगीन है, वरना आका ही सामरी हो, आपको याद न करते। सामरी ही जाने मामला क्या है। आ चल, सामरी ने फौरन बुलाया है। बरसों बीत गए हमें अपने बच्चों से बिछड़े हुए, वो जवान हो गए, हम बूढ़े हो गए,